स्टूडेंट इन दिस थर्ड क्वेश्चन दे आर टेलिंग शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. दे आर टेलिंग अस शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2400. मतलब 2400 में 80 आर्टिकल्स आ रहे हैं एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%. जब सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 16% का. फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. दे आर आस्किंग डायरेक्टली टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू रुपीज 2400. फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 16%. फिर हम लिख देंगे नीचे. ये तो गिवन क्वेश्चन से ही मिल गया. अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद होने चाहिए जो हमने समझे थे मॉड्यूल वन में. दोज हु हैव नॉट सीन प्लीज सी दैट पीडीएफ अगेन. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो यहाँ पे क्योंकि 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस दी है तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो दी हुई है 2400, तो वही रख देंगे. ब्रैकेट में 100 प्लस 16 अपॉन 100. आई एम रिपीटिंग अगेन, ये दोनों 100 कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज इट इज इन ब्रैकेट. बट ये 00, ये 00 कैन बी कैंसिल. 100 प्लस 16 कर देंगे तो 116 आ जाएगा आपके पास में. एंड जब हमारे पास 116 आ गया, ओके, तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 116 से. ओके, तो 24 यू विल मल्टीप्लाई बाय 116, तो यू विल गेट द आंसर 2784. ये हमारी हो गई है सेलिंग प्राइस. ये हमारी सेलिंग प्राइस है ऑफ 80 आर्टिकल्स. पर क्वेश्चन में पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू जो हमारी कॉस्ट आई है 2784, उसको हम 80 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड प्रॉपरली इन द रफ कॉलम, यू विल गेट द आंसर एज 34.8. ओके, दस यू कैन राइट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, या सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज 34.8.